subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. मैं शेफ सुल्तानी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ जी। रेसिपीज टाइम पर तमाम सुटियों शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा बनस्पति घी से अगर वाइटमिन ए ई डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल घी है, ओमेगा 3 मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है। इनमें जो खादा ठंडा तमाम मज़ेदार था। अज मैं टाइम पे अरबिक राइस, अरबिक राइस एक आउटलेट जी अस वही खाई तमाम सुटा ही मिलता है। अरबिक राइस जहाँ ऊटियों में होंगे जिंगर स्टाइल में उनके फ्राई कर रखियो। स्ट्रॉबेरी जो सीजन अची वो है तो काफ़ी सारी वैरायटी है स्ट्रॉबेरी की तक ठाई सिखार पे। तो अज मैं स्टार्ट किया पो स्ट्रॉबेरी की नई रेसिपी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ठाईंदी तमाम क्विक रेसिपी है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 10 का 12 कलाक में जमी वी कि इंजॉय कर सूँ। हाँ आइसक्रीम अस खाई सूँ, सियारो हाँ घट थी है। बई रेसिपी सुबह जो 11 लगे रिपीट हूँ। कुकिंग विद शेफ असम जो पेज है उत्तर रेसिपी अपलोड थी वी। वीडियो दिखने सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से स्क्रीन पर नंबर हले पे कॉल कर पुछी सूँ का फरमाइश करनी हुए कर सोता। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा बनस्पति घी के साथ वाइटामिन ए और डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल और बनस्पति घी है। ओमेगा 3 मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है। आज हम बना रहे हैं अरबिक राइस बना रहा हूँ, ठीक है। एक आउटलेट्स जो हम जहाँ जाते हैं जिंगर बर्गर्स वगैरह खाने, दो बड़ी आउटलेट्स हैं वहाँ पे ही ये मिलते हैं। वही रेसिपी आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बड़े मज़ेदार अरबिक राइस है। और इसमें जो चिकन होगी वो फ्राइड होगी, जैसे जिंगर की बोटियाँ फ्राइड होती हैं उसी तरह उसके साथ सर्विंग होगी। सॉस एक बनेगा, वो ऊपर से हम टॉपिंग करेंगे। और स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ गया है, स्ट्रॉबेरी बहुत अब सस्ती भी मिल रही है, अच्छी मिल रही है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे और स्ट्रॉबेरी की बहुत सारी वैरायटी, कोशिश करूँगा इसी कमिंग वीक्स और ये वाले वीक में स्ट्रॉबेरी की बहुत सारी वैरायटी आपको बनाना सिखाऊँ। सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी चीज़ पूछनी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कम वधीक हुंदो आहे टाइम, असां वटि घटि हुंदो आहे, त मां कोशिशि कंदो आहियां कि प्रोग्राम में सॼी रेसिपी तव्हांखे कंप्लीट करे ॾेखारां। त हिन करे राइस की जो क्वांटिटी है वो अध किलो यूज़ कंदासी। असां जॾहिं हुते वठण वेंदा आहियूं त मुंहिंजे में अध पाज ते राइस जो बॉल हूंदो आहे, जंहिंमें मतलबु चार बूटी हूंदियूं, काफ़ी एक्सपेंसिव हूंदो आहे, तकमा 2.5 खां 3 सौ जो एतिरो सो बॉल मिलंदो आहे। त उहो ई शइ तव्हांखे मां घर में ठाहिणु सेखारियां पियो, ऐं घटि क्वांटिटी में, घटि पैसनि में, बचति में, वो बल्क क्वांटिटी में तव्हां ठाही सघो था ऐं खाई सघो था, इंजॉय करे सघो था। अधु किलो राइस ऐं चांवर, ठीकु आहे। अधु किलो चांवर जेके आहिनि हिनखे 15 मिंट पहिरीं पिसाइबो। सुठा बासमती चांवर यूज़ कंदो, सेला चांवर यूज़ करण चाहियो था, सेला चांवर भी सुठा लॻंदा आहिनि हुनमें। लेकिन हुन आउटलेट ते जॾहिं असां खाईंदा आहियूं त उहे सेला चांवर में ठाहींदा आहिनि, ऐं कंहिं कॾहिं बि सेला चांवर में जेका ठहियलु हूंदा आहिनि उहे सॼो ॾींहुं हुननि खे हलाइणा हूंदा आहिनि हिन करे। ऐं बासमती चांवर में तव्हां ठाहे सघो था, सेला चांवर में बि बना सघते, बासमती राइस में बना सघते। बासमती राइस अच्छे वाले आपने लेने, इसको आपने 15 मिनट वॉश करके 2 दफ़ा 15 मिनट आपने भिगो के रखना है, ठीक है। राइस पहले बनाते हैं, उसके बाद हमने कोटिंग करनी है चिकन की, और चिकन की कोटिंग करके उसको फिर हमने क्या करना है, फ्राई करना है शारजा कुकिंग ऑयल में, ठीक है। पानी ड्राई कर लेता हूँ। शारजा कुकिंग ऑयल हम यहाँ पे लेंगे 6 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है। 6 खाइण जा चमचा शारजा कुकिंग ऑयल खणंदासीं, ऐं हिन सां गॾु हिन में छा विझंदासीं, लौंग 4 अदद, साबित कारा मिर्च 10 खां 12 अदद, ठीक है। 6 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल चला गया। इसके साथ हमने क्या डालना है, जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें भगार किस चीज़ का अरोमा देने के लिए, यहाँ पे मेरे पास 4 अदद लौंग है और 12 अदद साबित काली मिर्च है, ठीक है। 4 अदद लौंग है, 12 अदद साबित काली मिर्च है। इसके खुशबू जब आएगी तो हम इसमें जो भीगे हुए राइस हैं ये डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें नहीं जाएगा ना इसमें प्याज का भगार बनेगा। अरबिक राइस है, जस्ट हरी मिर्च जाएंगी, गर्म मसाला पाउडर जाएगा, जर्दे का रंग जाएगा, और इसके बाद जो सॉस बनेगा, जो चिकन बनेगी वो ऊपर से डाली जाएगी, उसकी टॉपिंग होगी, वो पूरा तरीका प्रोसेस आपको बताते हैं किस तरह होगा, ठीक है। हिते सभी का पहले इनमें दाग ठाओ, 6 खाइण जा चमचा शारजा कुकिंग ऑयल गर्म कर, लौंग विधी है 4 अदद, साबित कारा मिर्च 12 अदद, ठीक है। हमने सा गर असा इनमें विझंदासीं सावा मिर्च 4 अदद, मोटा वारा बारीक कटिंग थियल आहिनि, ठीक है। 4 अदद हरी मिर्चें फाइन चॉप की हुई हैं, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, जलानी नहीं है, हल्का सा इसका अरोमा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, चावल का पानी निकाल देना है, ठीक है। चावल भीगे हुए हैं 15 मिनट पहले,
इसका नाम पेज पे मैं मेंशन कर दूंगा कि किस जगह पे किस आउटलेट पे हम जाते हैं खाने, लेकिन यहाँ पे मैं लाइव नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लौंगली 4 अदद, काली मिर्च तकरीबन 12 अदद और हरी मिर्चें 4 अदद फाइन चॉप करके, ठीक है। इसमें सिर्फ हरी मिर्चों का ही तेज़ी जो आएगी, फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, आधा किलो चावल था भीगा हुआ 15 मिनट पहले, ठीक है। बासमती चावल आधा किलो भीगा हुआ 15 मिनट पहले, हल्की आंच करके इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, पानी अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी के इतरो विंदो इनमें इतरो पानी विजबो के 1 इंच पानी चावरन का मध्य हो जाए जी। उमर कोट से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाल आदा? बिल्कुल ठीक ठाक दी, ता बतायो छा हालन? अच्छा हां, तो गर्मी वचन में हो ता चाट से खारियो जी। छापे चौधरी, हां घर में भी वचन सता के चाट से हो ना? चाट इंशाल्लाह मैं ठाहींदमि त अॼु आइसक्रीम ठाहियां पियो गर्मी जे हिसाब सां, स्ट्रॉबेरी जी आइसक्रीम उहो ज़रूरु ट्राए कजो तव्हां। चाट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ठाहे। स्ट्रॉबेरी जो जूस त तव्हां हीअं ॿुधायो, स्ट्रॉबेरी जो शेक चओ पिया जी? जी ठीकु आहे, उहो बि मां ठाहे हींअर ॿुधाए छॾियां तव्हांखे ठाहिणो आहे? जी जी ठाहिणो आहे, ॿुधायो। ठीकु आहे, तव्हां टीवी वटि वञो, मां ॿुधाए थो छॾियां, ठीकु आहे दी। अच्छा अदा जेको तव्हां तेल चयो न, हेकर तेल ख़तमु थी वेंदो त हुरबो ऐं तेल वरी असां डबल विझी सघूं था? जी बिल्कुलु विझी सघो था, हिकिड़े दफ़े जॾहिं तेल ख़तमु थी वञे, जेको हुरबो जे अंदरि पियो आहे मथां तेल विझिजो, वरी हुरबो 2 चमचा घटि करे विझिजो हुनमें, ठीकु आहे। जीअं 8 चमचा आहिनि या 10 चमचा आहिनि त 2 चमचा घटि विझिजो हिन तरीक़े सां तव्हां। मां वरी हाणे तव्हांखे ॿुधायां थो, ठीकु आहे। यहां पे हमने राइस डाल दिए, उसके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है। पानी मैंने इसमें इतना डाला कि 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, लूण विझंदासीं केतिरो, 1.5 टेबल स्पून अधु किलो चांवर जे हिसाब सां, ठीक है। 1 टेबल स्पून देन 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून चला गया, 1 खाइण जो चमचो वरी 1/2 खाइण जो चमचो, 1.5 टेबल स्पून हिनमें लूण हलियो वियो। हाणे मां हिनमें छा विझंदमि, चिकन पाउडर, ठीकु आहे। चिकन पाउडर अजीनोमोटो नहीं यूज़ होता है, चाइनीज़ सॉल्ट, अब उसकी जगह चिकन पाउडर हर जगह अवेलेबल है, चिकन पाउडर मिल जाता है, ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर चला गया, बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी एक्सपेंसिव जगह पे ये मिलता है और आप लोग को नाम मैं नहीं ले सकता, ठीक है। के से इसका नाम आता है जिस जगह पर ये मिलता है जी, वहाँ पर ये मिलते हैं राइस और बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो ये बनाना सिखा रहा हूँ। परवीन है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा हो सहेबाई? बिल्कुल ठीक ठाक, ता बुदायो छा हालन? हां ठीक लगा पहले, ता बुदायो तब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कल क्या खायो? कल नहीं थियो से सा, कल तो प्रोग्राम ना हो, अज ही खलाए वया, सोमवार अगर और बात छुट्टी हुंदी आ जी, ऑफ हुंदा जी। अरे सही सही है, बियो बस अल्लाह जो शुक्र को फरमाइश करनी है ता बुदायो जो नहीं नहीं बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू, पंजो ख्याल रखजो, अल्लाह हाफिज, ठीक है। ये राइस में जब बॉयलिंग आएगी, इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है और इसमें मैंने क्या डाला है, सॉल्ट डाला है 1.5 टेबल स्पून, 2 खाने की चम्मच चिकन पाउडर, 2 खाइण जा चमचा चिकन पाउडर, 1.5 खाइण जो चमचो इनमें लूण विधो आ। हाणे मां हिते विझंदमि गरम मसालो पाउडर 1/2 चांहि जो चमचो, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स करते रहें ताकि अच्छा सा मिक्सअप हो जाए। जर्दे का रंग हम लास्ट में डालेंगे जब चावल हमारा बिल्कुल दम पे आने लगेगा, ठीक है, अभी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें 2 शेड हमने देने, जर्दे का रंग इसमें लास्ट में जाएगा, ठीक है। इसको हमने मिक्स करके और पकने देना है, कवर कर देते हैं जब तक ये चावल हमारे पकते हैं। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो दा, ऐसा के यो अच्छा कड़ी से खान से खा रही छाशे कड़ी कड़ी पकोड़न वाली कड़ी कड़ी दा से से खा रही हो कड़ी अदी पकोड़न वाली कड़ी बेसन जी चोपिया जब तक चावल हमारे बन रहे हैं, अब हम इसके लिए बनाएंगे फ्राइड चिकन, ठीक है। फ्राइड चिकन जो इसकी टॉपिंग पे आती है वो इसके अंदर नहीं होती, राइस जब बन जाते हैं तो अलग से इसके ऊपर रख के और सॉस डाला जाता है। यहाँ पे हमने ले लेनी है 1.5 से 1/2 किलो जितनी बोनलेस चिकन, सीने का पीस ले लें और इस तरह के बड़े क्यूब्स करवा दें, ठीक है। 1.5 पा पूरो एक चिकन जो सीनो हो तो 1.5 पा का 1/2 किलो जितरो उनके कटिंग कराई वठजो, हिन साइज़ जी 1 इंच जूं मोटी बूटियों कटवाए छो, ठीक है। मोटी होनी चाहिए बूटियाँ। ये करने के बाद इसमें हमने सबसे पहले क्या डालना है, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, 1/2 चाय जो चमचो पीठल कारा मिर्च,
हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला गया, आधे चाय जो चमचो लून, आधे चाय जो चमचो पीठल कारा मिर्च, आधे चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, ठीक है। हुनने का पॉइंट में छा विझंदासी, हुनने का पॉइंट में विझंदासी सरे जे बिझन जो पाउडर, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट, दोनों में से जो चीज़ अवेलेबल हो 1 टीस्पून चला गया। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, ठीक है, सोया सॉस डालेंगे 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच डालेंगे। सफ़ेद सिरका भी इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, अच्छो सिरको 2 खाने का चम्मचा, चिली सॉस प्लेन वाला चाइनीज़ में जो हम यूज़ करते हैं चिली सॉस, इसमें प्लेन वाला जाएगा 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स और 15 मिनट आपने इसको रखना है। रेसिपी वरी रिपीट कराएं तो चिकन जी चिका हिन लाइ असां 1.5 किलो चिकन बोनलेस खई आहे, सीने जो पीस हॾी हटाई जी बूटियूं कराए छॾिजो। हिन में अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाइण जो चमचो, अछो सिरको 2 खाइण जो चमचो, सोया सॉस 2 खाइण जो चमचो, चिली सॉस 1 खाइण जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, लूणु 1/2 चाय जो चमचो, पीठल कारा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, सरे जे बिजन जो पाउडर आहे मस्टर्ड पाउडर जंहिंखे चइबो आहे या पेस्ट हुजे वो 1/2 चाय जो चमचो इनमें विधो, ठीक है। और इनके चंगी तरह मिक्स करे 1/2 कलाक रखंदासी। रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसकी चिकन की, बोनलेस चिकन 1.5 से 1/2 किलो अपने क्यूब्स बनवा लें, 1-1 इंच के मोटे क्यूब्स होने चाहिए, ठीक है। 1/2 किलो चावल के हिसाब से 1.5 से 1/2 किलो जितने ये हैं, उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिली सॉस जो होता है प्लेन वाला वो 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून डाल के इसको अच्छी तरह मिक्सअप करके आपने 15 मिनट रखना है। उसके बाद इसकी कोटिंग करके इसको शारजा कुकिंग ऑयल में हम डीप फ्राई करेंगे, जिंगर स्टाइल में इसकी बूटियां बनेंगी, वो फिर जब राइस निकाल के सर्विंग होती है उसके साथ ये सर्व होगा, एक सॉस बनेगा, ठीक है। जिस तरह चावल में डिसा तो इतने ड्राई थे लगे हैं, चावल यहाँ पे ड्राई हो रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं जर्दे का रंग थोड़ा मिला देता हूँ क्योंकि अभी ये चावल हमारे ड्राई होने लग गए, तो मैं ये आपके सामने डाल देता हूँ, ठीक है। जर्दे का रंग हमने 1, 2, 3 जगह पर डालना है, ठीक है। जर्दे जो रंग ट्रे जगह थे विजी, और इसको हमने कवर कर देना, ठीक है। जर्दे का रंग डाल के मैंने इस पर दम पे रख दिया है, चावल हमारे दम पे आ जाएंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, बैठो ताकि शॉर्ट ब्रेक, ब्रेकअप हो जाए, कंटिन्यू करता हूँ। चाहे और क्या, शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए ई का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, लो कोलेस्ट्रॉल घी है, हर जगह अवेलेबल आए, ओमेगा 3 मौजूद है, जो में खाधर तमाम सुठा ठंडा है। अज ठाई पे अरबिक राइस, इन चिकन इतने मैरिनेट कर छिया, ठीक है। अरबिक राइस के लिए जो चिकन है वो मैरिनेट कर लिए, और चिकन मैरिनेट करके आपने 15 मिनट रखना है, ठीक है। इसके बाद राइस हमारे दम पे आ गए, राइस पे मैंने जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून 3 हिस्सों में डाला था, डायरेक्ट डाल दें 3 हिस्सों में, जब वो मिक्स करेंगे तो 2 शेड के राइस निकल आएंगे, ठीक है। 3 हिस्सों में मैंने मिक्स किए और दम पे डाला, ठीक है। 3 हिस्सों में मां जर्दे जो रंग विधो है पोइ इनके मिक्स करे असां कटंदासीं, हिते चिकन असां तैयार थी वई आहे, इनके फ्राई कंदासीं। फ्राई करण लाइ जी कोटिंग जेका थींदी हुन लाइ असां हिकु प्यालो खणूं था, एक बॉल लेते हैं, बल्कि मैं बॉल थोड़ा चेंज करता हूँ, चौड़ा बॉल होना चाहिए ताकि हमारी जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी सी हो, ठीक है। हमेशा फ्लैट में लें बर्तन या प्याला। जी जी, क्वेटा से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन बात कर रही हैं क्वेटा से? क्वेटा से मैं दुआ बेबी बात कर रही हूँ। जी जी, कुछ कहना चाहेंगी, आपकी कोई फरमाइश है? जी जैसे भाई, मैंने कहा ये जो भी आप बोटियाँ इसको ड्राई करके फ्राई करेंगे फिर उसके अंदर ऐड करेंगे या बाहर ही रखेंगे? नहीं, बाहर से रखेंगे इसको, जब राइस अच्छा, को हम निकालते हैं ना प्लेटर में, ऊपर से बोटियां रख के फिर इसका एक सॉस बनेगा वो ऊपर से डाला जाता है। चल सही है, ठीक है भाई, ठीक है। कैसल भाई, क्या ले? जी कैसल भाई, जी जी
वाले क्या? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं बहुत अश्विन। चले थैंक यू, अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा, ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे हमने लेना है 1.5 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, ठीक है, 1.5 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 1.5 कप मैदो, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, चावर जो अटो हिन में विझंदासीं, 3 खंड जा चमचा, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, ठीक है, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, चावल के आटे से क्या होता है, क्रंचीपन आता है, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 से 1/2 कप या 1.5 कप मैदा, और उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिला दिया 1/2 कप। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून फॉर टेस्ट, ताकि इसमें फ्लेवर आए, वरना ये कोटिंग जो आपको फीकी लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून भर के, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम काली मिर्च पाउडर, इसको अच्छी तरह कोट करें, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर योग्या कोटिंग करेंगे जिंगर स्टाइल में, ठीक है। जिंगर की ओरिजिनल कोटिंग यही होती है, अगर आपने जिंगर बर्गर बनाना है, जिंगर रोस्ट बनाना है, सेम कोटिंग होगी, और इसमें काफ़ी सारे 1 किलो तक की चिकन को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, 1 किलो वजन तक चिकन आप कोट कर सकते हैं जिंगर के लिए। वैसे फ्ले बनाना चाहें, जैसे भी आपको जिंगर के स्ट्रिप्स बनाने हो आप बना सकते हैं, ठीक है। ही जो मैदे में मैं कोटिंग ठाए पो, ये जिंगर जी कोटिंग होंगी है, इन तरीके से ठंडी है, ये नोट करे बटो। सिर्फ इसके लिए नहीं, आप कोई भी जिंगर स्टाइल में बर्गर है, ब्रोस बनाना चाहें तो उसकी कोटिंग इस तरह होती है, ठीक है। 1.5 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 3 खाने से 4 खाने के चम्मच हमने चावल का आटा डाल दिया, और नमक 1/2 टीस्पून डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है। 1.5 खाने के चम्मचों मैदो, 1/2 कप मैदो, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, ठीक है, 4 ट्रे का 4 खाने का चम्मच चावरन जो अटो, 1/2 चाय जो चम्मचों लूण, 1/2 चाय जो चम्मचों पीठल गाढ़ा मिर्च, 1/2 चाय जो चम्मचों पीठल कारा मिर्च, चंगी तरह इनके मिक्स कयो, इनके रखंदासीं साइड में। हाणे छा कंदासीं, 1 प्याले में पानी विझंदासीं, ये होती जिंगर की जो कोटिंग होती है, ठीक है, पानी ले लें 1 बॉल में, अंडा वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सादे पानी में कोटिंग होती है। अंडे की लेयर बनाते हैं हम लोग, क्या क्या कर रहे होते हैं, मेहनत कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिल्कुल प्लेन जिंगर इसी तरह बनता है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने गौर से देखना है, चिकन को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसकी कोटिंग बरकरार रहे, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स किया, 1 बोटी उठाई, इसको हमने 2 हाथ यूज़ करने, दोनों हाथ पाउडर में यूज़ ना करें, अच्छी तरह इसको कोट करें, ठीक है, अच्छी तरह कोट किया, इसको यूँ झाड़ें, ठीक है, चंगी तरह कोट करो, इनके यहीं छंटन दो ताकि एक्स्ट्रा पाउडर निकले, इनके पानी में डिप कर चलो, ठीक है। अगेन 1 बोटी उठाई, इसको अच्छी तरह कोट करें इसी पाउडर में, और इसके बाद आपने इसको झाड़ के पानी में छोड़ देना, इस तरह 4-4, 5-5 बोटियाँ इस तरह करते जब, फिर दूसरे हाथ से हमने ये पानी में निकालना है, 3 दफ़ा ये कोटिंग होगी, और फर्स्ट कोटिंग हमने लाइट रखनी, 3rd-4th कोटिंग होती है तो टाइट हाथ से करेंगे ताकि इसके ऊपर जिंगर का लुक आएगा, ठीक है। ये किया, अगेन इसको उठाया, इस तरह बोटियाँ मैं इसमें डालता जा रहा हूँ, बोटियों में मसाले की कोटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ज़ाया ना करें मसाला इसका, वो चिपक जाएगा इसमें जब आएगा, ठीक है। इस तरह किया, इसको निकालते जाएँ, पानी में डालते जाएँ, ठीक है, इन तरीके से जिंगर बर्गर बनाएं, जिंगर ये तो हम बाइट्स बना रहे हैं, जिंगर की बोटियाँ, आप जिंगर बर्गर बनाएं, जिंगर ब्रोस बनाएं, इसी तरह की कोटिंग होगी, ठीक है। 1 दफ़ा पानी में डाला, इसी पाउडर में डिप करके, अब क्या करेंगे, इसको इस हाथ से अगेन निकालेंगे, ठीक है, ताकि ये हाथ आपका सूखा रहे जो इसमें यूज़ करना है। अगेन इसको डाला, इस तरह 2-2, 3-3 बोटियाँ, अब इसको दबाना है, ठीक है, पाउडर के साथ इसको दबाना है, इस तरह बिल्कुल प्रेस करें, जैसे हाथ में ज़ोर से इसको प्रेस करें, इन तरीके से इनके हिकड़ी की बूटी के प्रेस कर दो, ठीक है, 1-1 बोटी को प्रेस करते जाएं और इसको फिर प्लेट पे निकालते जाएं। ये होती है जिंगर की कोटिंग, 1 दफ़ा और करेंगे ये प्रोसेस, ये देखें इसके ऊपर लेयर बनती जा रही है। अब बोटियाँ ही दिखा जो ये बोटियाँ दिखाईगा जो मैंने निकाली हैं, ये देखें इसको इन झाड़ते जाएं, ठीक है, ताकि ये देखें ये जिंगर बनता जा रहा है इस तरह। 1 दफ़ा पानी से निकाल के दूसरी अगेन ये प्रोसेस 1 दफ़ा और होगा, ठीक है। पानी कॉल बटू था, अस्सलाम वालेकुम।
वाले सलाम कुछ पता तबीयत सही है बिल्कुल ठीक ठाक था बताओ क्या हाल है तबीयत ठीक है ता जी हां हां अल्लाह सही शुक्र है बात ता गुजरी है ता सा जागी न थी न बका फोन करने को न बा मां भी ना हूं लास्ट वीक मुजी भी नंडड़ी तबीयत डाडी खराब हुई तो आईसीयू में एडमिट हुई ता इन करे मैं प्रोग्राम ही कौन के लास्ट वीक ना अच्छा बाण किया ने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हां अल्लाह जो शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है चलो माशाल्लाह माशाल्लाह जी हां पुत्र हो जको ता तेल दसे हो मेथी वारो जी जी ਉਹ ਆਣ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਜੀ ਸਕੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਲ ਵਿਝੰਦੋ ਐ ਹੋਰਬੇ ਜਾ ਜੇ ਕਬੀ ਜੈਨ ਨਾ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਹਿਰੀ ਅਗਰ ਤਾਂ 8 ਜਾਂ 10 ਖਾਣੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵਿਦਾਇਨ ਤਾਂ ਹਾਣੇ 6 ਖਾਣੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵਿਜੀ ਜੋ ਐ ਪਹਿਰੀਆਂ ਜੇ ਕਾ ਦਾਣਾ ਉਂਜੰਦਾ ਪਿਆ ਐ ਉਹ ਕੱਢ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਆ ਹਾਣੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਮੇ ਪਿਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛਾਂ ਮੇ ਰੱਖੋ ਧੁੱਪ ਮੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਮੇ ਰੱਖ ਜੋ ਜਿਤਰੋ ਰੱਖੰਦੋ ਇਤਰੋ ਉਂਜੋ ਸੁੱਠੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਦੋ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਖਾਇਓ ਮਾਂ ਅੱਜ ਠਾਇਆ ਪਿਓ ਅਰਬਿਕ ਰਾਈਸ ਠਾਇਆ ਪਿਓ ਆਈ ਹੁਣ ਸਾ ਗਟ ਹੁਆ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹਾਂ ਸਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨਾਇ ਨਾ ਜੀ ਸਬੂ ਰਿਪੀਟ ਮੈਂ ਦਿਸੀ ਵਰਜੋ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਪਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਖੈਰ ਲਗੋ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਸਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਤਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇ ਡਾਲਤਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਝਾੜ ਕੇ ਡਾਲਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੇ ਇਹ ਇਸਕਾ ਜ਼ਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ बहुत ज्यादा क्रिस्पी करना है तो इस मेथड को आपने अगेन रिपीट करना मैं रिपीट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा हेवी कोटिंग नहीं करना चाह रहा हूं बहुत ज्यादा क्रंची हो जाती है ठीक है एक दफा आपने करके निकाल लिया इसको बॉल कटा देते हैं ये ठीक है अगर इलाही हार्ड कोटिंग करनी है तो प्लेट में कढ़ण का पो वरी ता पानी में विझंदो वरी ता मैदे में विझंदो वरी प्लेट में रखजो तो हु हेवी कोटिंग थी लेकिन असा के वधिक हेवी कोटिंग की जरूरत ना है तो मां छापियो क्या इनके एक दफा पानी में कटा पियो ठीक है राइस दम पे हैं अरबिक राइस और इसके साथ ये सर्विंग होगी और ये बहुत ही मज़ेदार थोड़ी थोड़ी करके निकालते जाओ एक एक बोटी को अच्छी तरह इसमें आटे में दबाना है ठीक है हाथ से दबा दबा के अच्छी तरह से जैसे मसलते ले इतना ना मसले कि बोटी बिल्कुल ही अलग हो जाए फट जाए लेकिन अच्छी तरह प्रेस करके इसको गोल गोल घुमाते जाएँ ठीक है इस तरह आपने गोल गोल घुमाते जाना है और ये बोटी अलग अलग एक एक बोटी को पकड़ के एक साथ सारी नहीं करनी ठीक है अलग अलग और इस तरह झाड़ेंगे ये देखें जिंगर का इसका लुक आ रहा प्लेट में आप देखेंगे जितना आप इसको घुमाएंगे उतना ये जिंगर का लुक देगा इसके ऊपर जो दाना बनता है लच्छा बनता है बहुत से लोग क्या करते हैं कॉर्नफ्लेक्स तोड़ के डालते हैं पीस के चिप्स डालते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं जो ऑथेंटिक रेसिपी ओरिजिनल है वो यही तरीका है जो फाइव स्टार होटल्स में या जिंगर बर्गर्स वगैरह हम खाते हैं उनके आउटलेट्स में होता है वो बताते नहीं हैं आपने देखा होगा कितने क्रंची सा होता है उनका यही होता है रेस्टोरेंट्स में ओरिजिनल ये चीज़ है ठीक है कोई अंडे की कोटिंग कोई फालतू चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है इसको और ये मैदा पूरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा बच जाता है छान के मैदा रख लें अवल तो रखने की जरूरत नहीं होती गार्बेज कर दिया करें क्योंकि इसमें फिर पानी लग चुका होता है तो वो पॉइजन बन जाता है ठीक है बस एक दफ़ा यूज़ करके डिस्कार्ड कर दिया करें एक दफ़ा इस्तेमाल करने का पो ही मैदो जो है फिटो कर ठंडा कर छा करता है इनमें चिकन कच्ची चिकन लगी चुकी होंगी है इनमें पानी लगो चुको होंगे तो इनके रखने की जरूरत है पॉइजन ठही वो है फूड पॉइजन थी वो है इनका बेहतर है फ्रेश ठाओ जी फरजाना शाकिर है मेरे साथ असलम वालेकुम अस्सलाम फैसल कैसे हैं आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप कैसी हैं मेरा अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हैं सब अब बिल्कुल ठीक ठाक सब ठीक ठाक हैं अच्छा ठीक मैंने कहा मैं खुद अभी आपका प्रोग्राम देखा है अभी गई हुई थी अच्छा, आज दरअसल वो शाकिर की वो है ना बरसी वहाँ गई थी फातिहा वगैरह पढ़ के मतलब पाकिस्तान गई हुई थी ठीक है अल्लाह दुआ कीजिएगा बिल्कुल मगफरत करेंगे अल्लाह उनकी मगफरत करे बिल्कुल मैं भी दुआ करती हूँ कि आपकी भी सारी परेशानियाँ जो भी है वो आमीन अल्लाह ताला जो है ना हल करे बिल्कुल आमीन और फैसल ये बताइएगा मुझे अभी आपने जो बनाया है ये तो खैर मैंने अभी टीवी ऑन किया है बस आके नमाज पढ़ी है और मैंने चाय बनाई है अच्छा हाँ तो मैं ये मुझे तो रिपीट कर दिएगा प्लीज मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ राइस अरबी राइस जो आप बोल रहे थे जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी रिपीट कराता हूँ ठीक है और पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम बस दुआ में याद रखिए वालेकुम अस्सलाम आप भी दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अच्छा मैं हाथ क्लियर कर दूं अब हम रखेंगे ये हो गई हमारी जिंगर बूटी ठीक है इसको हमने डीप फ्राई करना है यहाँ पे शारजा कुकिंग ऑयल में मैं हैंड भी वॉश करता हूँ जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाए ठीक है कढ़ाई में राइस हमारे बन रहे 25 से 30 मिनट उसको दम पे रखना है राइस को ठीक है शारजा कुकिंग ऑयल इतरो खणजो कि बूटियों तुम डीप फ्राई थी वन ठीक है हाफ कढ़ाई ले लेते हैं शारजा कुकिंग ऑयल ये होगा गरम ठीक है जब तक मैं थोड़े हैंड वॉश कर दूं और बिल्कुल इजी है रेसिपी इसको मैं रिपीट भी कराऊंगा रेसिपी को ठीक है कोई अली भाई कोई रेसिपी रिपीट कराने का तो नहीं कहा था किसी ने
अच्छा हाँ, स्ट्रॉबेरी शेक जी रेसिपी बुधाई तो चले। स्ट्रॉबेरी शेक ला तां एक पाए स्ट्रॉबेरी खणंदो, उनके वॉश कजो, उनके पन्न जेका हुंदा आहिनि उहा हटाई छॾिजो, उनके ब्लेंडर जूसर ब्लेंडर में मशीन में विझी छॾिजो, ठीकु आहे। हिकु पाउ ॿुधायां पियो, ऐं हुन में तव्हां ॿ ग्लास खीर विझी छॾिजो, ठीकु आहे। ऐं फ्रेश क्रीम अगरि आहे त फ्रेश क्रीम अधु पैकेट विझी छॾिजो, ऐं खंडु तकरीबन 6 खाइण जा चमचा, छाकाणि त खटी हूंदी आहे थोरी, त खंडु 6 खाइण जा चमचा विझी हिनखे चङी तरह ब्लेंड कजो। बर्फ़ु विझणु चाहियो त हिकु कप बर्फ़ु कुटे विझी छॾिजो, ब्लेंड करे हिनखे कढी वठिजो। मज़ेदार स्ट्रॉबेरी शेक तयारु थींदो, हिते बि ठाहिणु सेखारींदमि इंशाल्लाह, ठीकु आहे। यहाँ पे इहे गरम हो रहा है, ईज़ी बिल्कुलु हमारी ज़बरदस्त रेसिपी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को सिखानी है। आप लोग की फरमाइशें भी हैं, तो मैंने कहा आज थोड़ी डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि लास्ट वीक मैंने शो किया नहीं था, तो इस वजह से काफ़ी सारी वैरायटी आप लोग की रह गई। अच्छा, यहाँ पे जब गर्म होने लगे इसको हम चेक करेंगे एक छोटा सा पीस डाल के, ठीक है। अगर आपको लगे कि बिल्कुल सही निकल रहा है तो बिल्कुल तैयार होगा। टिश्यू पेपर एक प्लेट पर लगा के रखते हैं, ताकि एक्सेस ऑयल जब हम फ्राई करते हैं तो वो निकल जाया करे, ठीक है। टिश्यू खणंदासीं, ठीक है, टिश्यू रखते हैं, और मैं इसको डीप फ्राई करना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं हमें ब्रेक का टाइम भी, अली भाई ब्रेक आ रहा है ना जी, ब्रेक पे जाने वाले हैं, ठीक है, ब्रेक पे बनने वाला हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले ऑयल मैंने शारजा कुकिंग ऑयल गर्म किया, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगा, ताकि ऊपर से ब्राउन भी ना हो ज़्यादा, अंदर से कच्ची भी ना रहे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगी जब तक हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक वठूँ था, मीडियम फ्लेम ते मैं इनके शारजा कुकिंग ऑयल में बूटीन के फ्राई कयां थो, उनखां पोइ अची ठाहींदासीं जेको असांजी आइसक्रीम आहे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वठूं था हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक। दिल चाहे और क्या, शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए ईएनडी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल और घी है, ओमेगा 3 मौजूद है। मैं तमाम सुटा खादा टाइम पे ताजे सामू जेमें मन ठाया पियो अरबिक राइस, जिनके सां चिकन सिंगर बाइट से गड इनके सर्व कंदासी, तमाम बेहतरीन या आउटलेट्स की रेसिपी है जो तक ठाई सिखारा पियो। काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी है जो असा एतो नंढो पोर्शन खाइंदो, लेकिन इतने बल्क में तक घट पैसों में ठाई सिखारा पियो। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इन सा गड ठे पी, ठीक है। जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन रही है और अरबिक राइस बन रहे हैं, पेज पे मेंशन कर दूंगा कि किस आउटलेट पे हम जाके खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अरबिक राइस, और इसकी राइस तैयार हो गए, ठीक है। इसका मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ, राइस निकालेंगे तब जब हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। इसको मैं शारजा कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई कर रहा हूँ, गोल्डन कलर आ जाएगा जिस तरह जिंगर का आता है, और ये फिर हो जाएगी तैयार। उसके बाद हम बनाते हैं क्विक रेसिपी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की, 3 इन्ग्रीडियंट्स में बनती है और बड़ी मज़ेदार बनती है। लास्ट में हमें 1-2 साल पहले भी मैंने बनाना सिखाई थी, दोबारा इसलिए रिपीट करा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये रेसिपीज मिल जाए। अना माइन कॉल थे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है अदा? बिल्कुल ठीक ठाक था, बताया नम चाह लेन जी अदा, ठीक है अदा, टाइम वेलकम था करनी तो आए, थैंक यू जी। हाँ अदा मसाला सुथी ठीक खाया था अदा, जरूर ट्राई करना थी अदा, अभी फरमाइश हुई बिल्कुल कहो आधा आइस देखो, एक नॉन पेस्ट्री जगह थी या हुआ था ऐसे का, मतलब पाइनएप्पल केक या पाइनएप्पल पेस्ट्री जी होंदी है जी, हां वाइट जी, आधा आइस अंदर होंदी है, ठीक है वाइट में, ठीक है ठीक है जी हां। आइसक्रीम अदा कदे खाएं से कांदा इंशाल्लाह एक बार वीक में। अच्छा अदा सदन अदन के सलाम दी तो। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, थैंक यू। के जी सारा के सलाम दी तो। सारा के सलाम, सारा के सलाम त पान दे छड़ो, तार तक कॉल नंबर आए अदा हलो ठीक है, ऑन ईयर बने पियो तो दिसंदी हुंदी तो ता सलाम पुजी विंदो, ठीक है जी। हां ता सही दिना ता हसतो लगना, ओके ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहां पे हमने चिकन देखें इस तरह की जिंगर, देखें कितनी क्रिस्पी जबरदस्त ये जिंगर बाइट्स बन गए, ठीक है। इस तरह अपनी बाइट्स बनाने ये असा तैयार थी विया, बाकी मैं इनमें विझा तो उनका पसंद जो सॉस तैयार करना सी, ठीक है। बाकी मैं शारजा कुकिंग ऑयल गर्म है, अच्छा ऑयल की जो आंच है वो मीडियम रखनी है, पहले ये पानी छोड़ती है चिकन, ठीक है। उसके बाद आपको जब ऑयल में चीज़ें जाती हैं आपको लगेगा ये वाइट हो गया ऑयल, उसके बाद वो टेम्परेचर पे आना शुरू होता है और ये फ्राई होने शुरू हो जाती हैं। मीडियम आंच पे इसलिए कहता हूँ ताकि चिकन अंदर से कच्ची ना रहे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से
कच्ची हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है, हल्की आंच से, थोड़ी तेज़ आंच पे। अगर हल्की आंच पे पकाएंगी तो ये ऑयल पकड़ना शुरू हो जाएगा आटा, ठीक है। वो फिर ऐसे होता है जैसे री फ्राई होता है ना, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्की भी ना हो, दरमियानी हो। अब ये बाइट्स जब तक हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम इसका बनाते हैं सॉस। उसके बाद हमें बनानी है आइसक्रीम। सॉस के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है। सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, जो इसका सॉस है, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस, जो स्पाइसी केचप मिलता है, चिली गार्लिक सॉस हाफ कप, प्लेन केचप हाफ कप, ठीक है, चिली गार्लिक सॉस हाफ कप, प्लेन केचप हाफ कप, चिली सॉस प्लेन वाला 4 टेबल स्पून, ठीक है, 4 टेबल स्पून, 4 खाने जो चमचो प्लेन वारो जो चिली सॉस हों जो चाइनीज़ में यूज़ कराँ, अध कप का थोड़ा मुन्ने कप जितो प्लेन केचप, अध कप का मुन्ने कप जितो तान में खड़ा चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। इसको अच्छी तरह बीट करें तीनों चीज़ों को। ये सॉस होता है इसके साथ जो सर्व होता है, ठीक है। इसको आप बना के थोड़ा मैं चिकन जी रुखसाना जैदी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और बहुत जबरदस्त बिजिंगर जो आप बना रहे हैं, चिकन बाइट्स बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त लग रही है। और वेदर चावलों के साथ बहुत अच्छा होगा कॉम्बिनेशन। और दूसरा ये कि मैं ये बोल रही थी कि ये जैसे आप बना रहे हैं इसके हम लोग जो है, मैंने वैसे देखा है तो इसको जैसे बोटियों को जैसे आपने से वो किया ना मैरिनेट कर रहे थे, और वो चावलों के जो उसमें जो बैटर था उसके बैटर के अंदर जो कर रहे थे, वो अंगूठे के जरिए प्रेस कर करके करते, लेकिन आपने जरा सा डिफरेंट किया, सबको इकट्ठा करके प्रेस किया है। जी जी। तो मतलब उसमें क्या फर्क होता है, क्योंकि बाज लोग को हमने देखे थे बड़े जरा बड़े पीस होते हैं उनको जरा अंगूठे से अलग से उनको ऊपर कोटिंग करते हैं तो मसलते जाते हैं। हाँ हाँ। आपने इनको इकट्ठा करके वो ये इजी है, और इसके सामने आप देखें ये बिल्कुल क्रिस्पी और चंक्स बन जाते हैं बिल्कुल जैसे वो। हाँ, ये ज्यादा इजी है क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो मिलती है या जो आउटलेट्स पे होते हैं उनकी कोटिंग इसी तरह की जाती है, वरना बहुत से चैनल्स पे आपने देखा वो अंडा भी लगा रहे हैं और वो फिर कॉर्नफ्लेक्स और जो चूरा उसका होता है क्या कहते हैं चिप्स का चूरा बना के बहुत सारे मेथड बताते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना यही है। तो उसकी वजह से यही है कि इसको तो बस एक सब एक दफा बना लिया और फिर उसके बाद उस मटेरियल को हाफ जितना अपने हिसाब से यूज कर लिया, बाकी को जो है ना जो यूज नहीं किया उसको अलग कर ले। लेकिन ये कि आपने ये भी सही बताया कि अगर जो यूज किया हुआ है उसको ना रखें, ये भी सही बात है जी बिल्कुल। अक्सर लोग रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें ना हम नुकसान से कच्चा चिकन होता है, ठीक है, वो फूड पॉइजन का बाइस बनता है। कच्चा चिकन इस पाउडर में लग चुका होता है और फिर पानी भी होता है चिकन का मैरिनेशन का, तो इससे बेहतर है आप इसको डिस्कार्ड कर दें। हाँ बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा आइसक्रीम भी बना रहे हो, भी मेरी पसंद की चीज है। थैंक अच्छा, यू फॉर दिस। चलिए ठीक है, बोथ थिंग्स। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है थी भाई। अच्छा ये बोतल में मैं भर रहा हूँ इसमें, इसलिए कि इसकी टॉपिंग के लिए आप अगर ये नहीं जरूरी नहीं यही प्रोसेस करें, आप ऐसे ही बॉल में बना के रख दें और बस आप स्पून से ऊपर से टॉपिंग कर दें, ठीक है जी। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। ये थी वो, ये हो गए हमारे, और राइस हम निकालते हैं, चिकन हमारी तैयार हो गई, उसके बाद हम आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है। चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, इसको भी निकाल देता हूँ बाइट्स को, लेकिन कलर बिल्कुल परफेक्ट आया इसको। ये किचन टावल टिश्यू जो होते हैं इस पर, अच्छा टिश्यू भी हम यूज़ करते हैं बॉक्स वाले, वो यूज़ ना किया करें, ये रोल मिलता है किचन टावल कहते हैं, मोटा होता है दाने वाला, और इससे क्या होता है कि जज्ब भी हो जाता है और इसमें कोई अरोमा कोई फ्रेगरेंस नहीं होता, ठीक है। ये हो गए हमारे राइस तैयार, और उसके बाद हम इसको निकाल कर टॉपिंग करके हम आइसक्रीम पर आते हैं, ठीक है। राइस आसान जो तैयार थे, राइस को हल्का सा मिक्स करेंगे। अब मैं क्या करूँ, नहीं नहीं आइसक्रीम है मेरे पास, फिर या तो कैंसिल कर दें आइसक्रीम को। इस तरह थोड़ी होता है यार। अच्छा इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। शेडेड है राइस इस तरह, ये हो गया, इसको हम निकालते हैं बॉल में, ठीक है। ये देखिए
तरीके से अरबिक राइस, निकाल दिए। बहुत सॉफ्ट नहीं बनाएं राइस, ऐसे बनाएं कि बिल्कुल दाना दाना अलग हो, ठीक है। ये थोड़ी देर में सेट हो जाएंगे। ये हमारे हो गए राइस तैयार। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टॉपिंग रखेंगे चिकन की, ठीक है। इस तरह आपने चिकन रखनी है। वैसे ये जब सर्विंग होती है एक बॉल में थोड़े से राइस होते हैं और उसके ऊपर फोर पीसेस होते हैं रखे हुए चिकन के, लेकिन ये पूरी फैमिली पैक बन गया, जैसे फैमिली पैक होता है पूरा फैमिली का बन गया है। तो इसमें और इसके ऊपर हम टॉपिंग पे ये जो मैंने सॉस बनाया है ये डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। सॉस जितना आपको अच्छा लगे उतना आप डाल सकते हैं। अब आइसक्रीम बना देता हूँ। आइसक्रीम बहुत ही ईजी है और क्विक है, ठीक है। सिर्फ ब्लेंडर में हमने डाल के आइसक्रीम को निकालना है। तीन चीज़ें हैं ताकि फिर ये ना हो कि कल तक अगर मैं छोड़ूं, बहुत से कॉलर्स होते हैं कि लाइट का इशू हो जाता है ना, आप देख पाएँ। इसमें हमने क्या लेना है, एक पाव स्ट्रॉबेरी, ठीक है। एक कप आई स्ट्रॉबेरी वॉश करके इसका हरा वाला जो लीफ होता है वो हटा दिया, ठीक है। एक कप आई स्ट्रॉबेरी है, इनसे अगर खंड पीठल इनमें खंडदासी एक कप, एक कप पिसी हुई चीनी चॉपर में पीस लें, सॉरी ग्राइंडर में पीस लें चीनी को, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी आपने डाल के इसको ब्लेंड कर देना थोड़ा सा, और इसको फिर हमने डालना है फ्रेश क्रीम दो पैकेट पूरे, ठीक है। दो पैकेट इसमें चली गए फ्रेश क्रीम, ठीक है। इसको थोड़ा मिक्स करता हूँ ताकि अच्छा सा ब्लेंड हो जाए, ठीक है। इस तरह करके ये आपने ब्लेंड करना है। ये देखो, दो पैकेट फ्रेश क्रीम, एक से डेढ़ पाव आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें चीनी डाल देनी है, एक कप से सवा कप चीनी, ठीक है। एक कप से सवा कप चीनी, इसको बस तीन चीज़ें जाएंगे और कुछ भी नहीं इसमें डालना है, ना पानी ना दूध ना कोई चीज़ आपने डालनी है, ठीक है। ये दोबारा बता रहा हूँ, अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। ब्लेंड करने के बाद इसको एयर जार में आपने निकाल देना है, ठीक है। ये देखें क्विक हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार हो गई। इसको आपने 12 घंटे रखना है, ठीक है। 12 कलाक इनके रखना है। ब कप फ्रेश क्रीम पूरा पैकेट भेजो, सॉरी ब पैकेट फ्रेश क्रीम, ठीक है। एक का डेढ़ कप खंड पीसे भेजो, आई डेढ़ पा जेतरी या एक पा जेती ताकि सूठी लगे स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये हो गई और इसको मैं वहाँ रखता हूँ एयर टाइट कंटेनर में, आपने इसको बंद करके रखना है और 12 घंटे बाद आपने इसको निकाल के फ्रीजर से आपने यूज़ करना है। मज़ेदार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और अरबिक राइस हमारे हो गए तैयार, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अहिंसा का नहीं अरबिक राइस, ठीक है। ये दोनों रेसिपी सुबह 11 बजे रिपीट चलेंगी। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे। इंशाल्लाह कल नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। सुबह 11 लगे रिपीट हंधो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज होते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिन टीवी HD कुकिंग शो। आई कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज आ फेसबुक ते रेसिपी अपलोड थी। इंशाल्लाह सुबह वरी नई रेसिपी से अगर मुलाकात थी, दुआ में याद रखिजो। अल्लाह हाफिज़।
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।